खूबसूरती तुहाड़ी ते टिप्स नीलू जी दे साडे सेक्शन सजना सवरना दे विच अज असी एक बार फिर तुहाड़ी मुलाकात करा रहे हैं साडे ब्यूटी एक्सपर्ट नीलू गरेवाल जी दे नाल। नीलू जी, वेलकम वंस अगेन टू द शो। थैंक यू। नीलू जी, अजकल कुड़ियां बहुत ज्यादा बिजी हो गईयां ने, कुछ ऑफिस जांदियां ने, कुछ कॉलेज जांदियां ने, उन्हां नूं ब्यूटी पार्लर जाण दा मौका ही नहीं मिल पांदा। सानूं दस्सो कि घर बैठे बैठे ओह किस तरहां दे नाल फेशियल्स कर सकदियां ने जिस करके उन्हां दी स्किन ग्लो करे। नॉर्मली जिहड़ा होम फेशियल हुंदा है, तुसीं पहलां अपनी स्किन नूं जज करो कि नॉर्मल है, ऑयली है या ड्राई है। किस तरह पता चलता है कि स्किन ड्राई है, नॉर्मल है या फिर ऑयली है? जिहड़ी नॉर्मल स्किन होंदी है उन्हूं ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग की जरूरत नहीं पैंदी, तुहानूं कदे भी नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा स्किन खिंच रही है। जिहड़ी ऑयली स्किन होंदी है, इहदे नॉर्मली जिहड़े पोर्स होंदे ने स्पेशली चीक एरिया ते, एक ओपन पोर्स होंदे ने, क्योंकि इहनां दी सिक्रीशन जिहड़ी ऑयल दी होंदी है या ऑयल जिहड़ा स्किन चों निकलता है उहदे नाल ओपन पोर्स काफ़ी हो जाते हैं। जिहड़ी ड्राई स्किन होंदी है नॉर्मली वह स्किन खिंचती बहुत है जे तुसीं मॉइस्चराइजर या क्रीम नहीं लगाते हो, और इहदा जिहड़ा थोड़ा जिहा टैक्सचर होंदा है डल होंदा है। सो जे तुहाडी स्किन डल है और तुहानूं लगता है कि जे तुसीं क्रीम या मॉइस्चराइजर हाँ नहीं लगाया है, सो दैट मीनस योर स्किन इज ड्राई। अच्छा, हुण सानूं दस्सो कि जिहदी स्किन ऑयली होवे उहनूं किस तरह दे फेशियल्स करने चाहीदे ने? देखो, नॉर्मली बहुत ध्यान रखना चाहिए अपना क्लेंजर। ऑयली स्किन भी नॉर्मली जिहड़ा भी क्लेंजर होंदा वाटर बेस्ड होंदा ताकि वह बहुत लाइट होए और स्किन ते ऑयलीनेस ना कॉज करे। सो ज़्यादातर टोनर या एस्ट्रिंजेंट नाल भी वो बॉटल लैके उहदे नाल अपनी स्किन साफ कर सकते हैं। उस तो बाद जिहड़ी क्रीम मसाज लई यूज होंदी है वह नॉर्मली ऑयल फ्री होनी चाहिए है, उहदे च ऑयलीनेस या ग्रीसीनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो स्किन नूं होर ऑयली कर लेगी और एक्नी कॉज करेगी। उन्होंने एटलीस्ट 10 मिनट्स मसाज करके स्पेशली आई एरिया ते बहुत अच्छी तरह लाइट हैंड ना मसाज करनी चाहिए है। उस तो बाद प्रॉपरली क्रीम नू साफ करके हल्की जी कोई भी गर्म पानी, जे स्टीमर तुसी छोटा जे होम स्टीमर रख सकते हो, नथिंग लाइक इट, उहदे ते तुसी स्टीम लै सकते हो। स्टीम दे नाल की होंदा कि पोर्स थोड़े खुल जाते हैं और जिहड़ा ब्लैक हेड या तुहाडे कोई भी इम्प्योरिटीज होंदियां ने तुसी बड़ी इजीली उन्हों एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जिवें असी फेशियल कर लेता हूँ उस तो बाद असी पैक लगाते हैं, तो ऑयली स्किन लिए केड़ा पैक लगाना चाहिए है? जिहड़ी ऑयली स्किन है और जे तुसी नैचुरल किचन रेमेडीज़ प्रिफर करते हो, तुहानूं दलिया का बेस लैके उहदे विच तुसी थोड़ा जिहा लैमन जूस पा सकते हो, बिकॉज लैमन जूस दे विच नैचुरल एस्ट्रिंजेंट क्वालिटीज़ होंदियां ने, थोड़ा जिहा स्किन नूं फेयर भी करता है। उहदे विच तुसी एग वाइट पा सकते हो, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड इट रियली टाइटन्स द स्किन, क्योंकि जिहड़ी ऑयली स्किन होंदी है इहदे ओपन पोर्स दी प्रॉब्लम ज़्यादा होंदी है, सो एग वाइट इज़ वेरी गुड फॉर दिस टाइप ऑफ अ स्किन। इहदे विच जे तुसी चाहो या पैक नूं थोड़ा थिकन करना चाहते हो तो मुल्तानी मिट्टी भी एड कर सकते हो और बहुत अच्छी तरह पैक टाइटनिंग हो जाती है इहदे लई। और फेस एंड नैक ते तुसी एटलीस्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स पैक नूं ड्राई होन दो, प्रॉपरली उन्हों रिमूव करके ठंडे पानी नाल एक बारी जब तुसी अपना फेस वॉश करोगे तुहाडी लुक भी बहुत फ्रेश होंदी है एंड यू फील ऑल्सो वेरी गुड। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਓਇਲੀ ਸਕਿਨ ਬਾਰੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਡਰਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਂਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਕਲੈਂਜ਼ਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਹੋਏ, ਹੈਵੀ ਬੇਸ ਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਿਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਮ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਜ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, 10 ਮਿਨਟਸ ਅਗੇਨ ਅਪਵਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਫਰਮ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਜ ਕਰੋ ਫਰੋਮ 10 to 15 ਮਿਨਟਸ, ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੀਮ ਹੈ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹੈਵੀ। ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਵੀ ਕਰੀਮਸ ਨੇ, ਓਇਲ ਬੇਸਡ ਕਰੀਮਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਓਇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਰੋਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਓਇਲਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਓਇਲਸ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਟਾਈਪ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਓਇਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਓਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੀਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨੋਰਮਲੀ ਐੱਗ ਯੋਕ ਬੇਸਡ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਯੋਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਨੀ ਐਡ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗੇਨ ਦਲੀਆ ਯੂ ਕੈਨ ਐਡ ਔਨ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਅਗੇਨ ਔਲ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਈਵਨ ਐਡ ਔਨ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਆਲਮੰਡ ਓਇਲ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
अच्छा हुण ते असीं गल कीती है ड्राई ते ऑयली स्किन दी, पर जदों असीं गल करदे आं नॉर्मल स्किन दी ते नॉर्मली लोकी बड़े परेशान हुंदे ने असीं की लगाईए हुण ते उहनां नूं किस तरह दा फेशियल करना चाहिए। देखो नॉर्मल स्किन इज अ वेरी लकी स्किन। नॉर्मल स्किन ते की हुंदा है कि तुसीं बड़े लाइट प्रोडक्ट्स भी यूज करते हो तो वह तुहाडा चल जांदा है, द स्किन डजंट गैट डैमेज्ड या अफेक्टेड बाय लाइट प्रोडक्ट्स। सो अगेन जिहड़ी नॉर्मल स्किन हुंदी है उहदे प्रोडक्ट्स हुंदे ने बड़े लाइट और नैचुरल तुसी यूज़ करो, रोज़ वाटर नाल तुसी क्लीनिंग कर सकते हो अपने फेस की। कोई भी जिहड़ी नॉर्मल क्रीम तुहानू मार्केट विच सूट करती है यू कैन पिक दैट अप, कोई भी ब्रांडेड क्रीम लाइट क्रीम उहदे विच तुसी थोड़ा जिहा पानी ऐड करके अपनी मसाज कर सकते हो, अ वेरी लाइट मसाज। जिहड़े पैक्स ने तुसी एनी पैक विच इज़ रोज़ वाटर कर सकते हो, उहदे विच हाँ सैंडल पैक यूज़ कर सकते हो, मिंट पैक्स यूज़ कर सकते हो, अजकल फेयरनेस पैक्स आ गए। जे तुसी घर दा पैक यूज़ करना है यू कैन ईवन पुट अ लिटल बिट ऑफ जिहड़ा नींबू हुंदा दैट इज़ अ वेरी वेरी स्लाइटली ब्लीचिंग एजेंट हुंदे ने, हाँ पर उहनूं न्यूट्रलाइज करन लई यू कैन पुट अ लिटल बिट ऑफ पोटेटो या टमैटो ताकि बहुत ज़्यादा ड्राईनेस भी नहीं आनी चाहिए। थोड़ी जी तुसी दही ऐड कर सकते हो, दूध का बेस दा बना सकते हो। नॉर्मल स्किन इज अ वेरी लकी स्किन, कुछ भी उहदे ते लगा लोगे इट विल बेनिफिट यू। लीलू जी तुसी सानू होममेड फेशियल्स बारे इन्नी जानकारी दी, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर मोस्ट वेलकम।